बजट पर चर्चा, सरकार पर सवाल। राहुल के भाषण पर फिर चली कैंची। भाफड़ के कुछ शब्द रिकॉर्ड से हटे। लोकसभा में ऐसा क्या बोले थे राहुल? 29 जुलाई 2024 को संसद के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा को लेकर भाषण दिया। राहुल गांधी ने भाषण के दौरान बजट पर सवाल उठाए और मोदी सरकार की भी जमकर आलोचना की। साथ ही उन्होंने चक्रव्यूह और अभिमन्यु का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर किसानों, युवाओं, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कटघरे में खड़ा किया। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का संसद में दिया ये दूसरा भाषण था, लेकिन पहले के भाषणों की तरह ये भी विवादों में आ गया है। बजट पर चर्चा के दौरान सोमवार को लोकसभा में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था उस पर कैंची चल गई है। दरअसल भाषण के कुछ शब्दों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर राहुल ने ऐसा क्या कहा था। दरअसल राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए महाभारत युद्ध की चक्रव्यूह संरचना का जिक्र किया और कहा कि इसमें डर, हिंसा होती है और अभिमन्यु को फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। उन्होंने चक्रव्यूह को पद्मव्यूह बताते हुए कहा कि ये एक उल्टे कमल की तरह होता है। राहुल ने पीएम मोदी पर आगे निशाना साधते हुए कहा कि देश में एक नया चक्रव्यूह बना है, वो भी लोटस की शेप में है, जिसको आजकल पीएम मोदी अपनी छाती पर लगाकर घूमते हैं। अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, जिनके नाम द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी थे। आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। राहुल ने नाम लेते हुए आगे कहा कि चक्रव्यूह को पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, आरएसएस चीफ मोहन भागवत और अडानी अंबानी कंट्रोल करते हैं। राहुल के इस बयान के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से तीखी नोक झोंक भी हुई। ओम बिरला राहुल गांधी को सदन में मौजूद न होने वाले व्यक्तियों के नाम के प्रयोग न करने की सलाह देते हैं और उन्हें सदन के नियमों की जानकारी लेने को कहते हैं, जिस पर राहुल गांधी कहते हैं कि अगर स्पीकर महोदय आप चाहते हैं कि मैं एनएसए अंबानी अडानी का नाम नहीं लूं, तो उनका नाम इस लिस्ट से मैं हटा देता हूं। आखिर उस दौरान राहुल का यह पूरा बयान सुनिए। स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को, 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसा कर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा कर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है, हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्णा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं।
तो जैसे उस टाइम छह लोग कंट्रोल करते थे वैसे आज भी छह लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज एक मिनट प्लीज, नहीं सब बोलने दीजिए। हाँ आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं, आपके कई माननीय सदस्यों ने यहां पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम ले। आपने लिख के दिया है। आपने क्या, आप उसकी पालना करना चाहते हो? सर गलत। मैं माननीय सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक मिनट मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा और मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूँ। आप चाहे नहीं करें पर मैं अपेक्षा करता हूँ। नहीं सर, मैं अगर आप चाहते हैं सर मैं एनएसए का और अदानी और अंबानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूँ। फिर माननीय सदस्य, अगर आप चाहते हैं सर, प्लीज मैं नहीं चाहता, सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। सर अगर आप कहते हैं मैं निकाल देता हूँ। नो सर, मैं तीन ही नाम यूज करूँ। नहीं माननीय सदस्य, नहीं कहा और आप स्पीकर सर कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। क्यों बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हो आप? क्यों बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हो? फिर वो टिप्पणी करेंगे सर। स्पीकर सर, जाति जनगणना से ये जो छोटे छोटे खांचे आपने बताया, कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। क्यों बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हो आप? क्यों बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हो? फिर वो टिप्पणी करेंगे सर। स्पीकर सर, जाति जनगणना से ये जो छोटे छोटे खांचे आपने